वाह, इतना बड़ा बॉक्स और निकला क्या, इतना सा खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आरपी जो इसकी लिखी गई है 1999, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये एक छोटी सी मोटर जैसी कुछ तो टूल आपको देखने को मिलती है। थोड़ा जो ऐसे टाइम लगेगा चलाने के लिए, कुछ इस तरह से जो यूज होता है। एक्चुअल में वर्क तो करता है, आपने देख ही लिया है, लेकिन कुछ आइटम नए आपको देखने को मिल जाता है। इसे कुछ इस तरह से यूज करना होगा, तो चलिए चेक करते हैं कैसे ये यूज होगा। ये इतना बड़ा बॉक्स है जो कि बहुत ही हल्का। अब इसमें एक छोटी सी चीज है, लेकिन बड़ी यूनिक चीज है, जो कि मेरे को नहीं लगता आपने देखी होगी पहले कभी, और मैंने भी गाइज अभी तक उसे देखा नहीं है, बस मैंने ऑनलाइन देखा है वीडियोस में। सो आज की वीडियो में हम लोग जो है उसी का जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, एंड इसे रहा नहीं जा रहा, फटाफट खोलते इसे एंड देखते भाई वो हमें कैसा देखने को मिलता है। यहाँ से देखिए इसे फाड़ते हैं एंड दोस्तों अब जो है समय की घड़ी आ गई है खोलने की। इतने बड़े में कुछ नहीं निकला। अब गाइस ये आप देखिए, वाह भाई वाह, इतना बड़ा बॉक्स और निकला क्या, इतना सा खोदा पहाड़ और निकला चूहा। सो गाइस इसे रखते हैं यहाँ पे साइड में एंड आपको दिखा दे भाई ये क्या चीज है। अब देखिए एमआरपी जो इसकी लिखी गई है 1999, जो कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इतना हमको जो है ये नहीं मिला है। सो चलिए अब इसे निकालते हैं, आपको दिखा दे गाइस एक्चुअल में ये क्या चीज है। एक आपको जो है केबल मिलती है साथ में एंड एक छोटे से प्लास्टिक बैग में ये एक छोटी सी मोटर जैसी कुछ तो टूल आपको देखने को मिलती है। तो इसे हम निकाले बाहर। ओके तो दोस्तों ये आप देखिए क्या चीज आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये है एक स्मॉल मिनी फिंगर माउस, जो कि आप फिंगर में लगा के माउस के तरह यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों काफी ही यूनिक चीज जो है लग रही है मेरे को। एंड यहाँ पे जो है दो माउस के जैसे बटन दिए गए हैं एंड एक जो है स्क्रोलर भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ये आप चेक करिए। ओके एकदम माउस जैसा फंक्शन है। यहाँ पे एक जो है स्ट्रैप दे रखा है आई थिंक, जिसे आप जो है फिंगर में कुछ इस तरह से पहन सकते हैं। तो मैं तो चेक करूँगा इस कैसे जो इसे चलाते हैं। ऐसे चलाना होगा क्या वो? अच्छा नहीं 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 ऐसे नहीं है। ओके इसे चेक करते हैं कैसे चलाना होगा, सब फटाफट देखते हैं आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों आपको नीचे जो है एक सेंसर भी जो है देखने को मिल जाता है इसमें, जो कि माउस में रहता है वैसा का वैसा ही। एंड यहाँ पे दो बटन तो आपको देखने को मिल जाता है एंड एक स्क्रोलर भी मिल जाता है। सो सेंसर जो है मतलब इसे कुछ इस तरह से यूज करना होगा। सो चलिए चेक करते हैं कैसे ये यूज होगा। इसको जो है कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे स्ट्रैप खोलना होगा एंड सिंपली जो है फिंगर को यहाँ पे रखने का एंड इसको वापस क्लोज कर देने का। सो सिंपली आपको जो है कुछ इस तरह से इसे पहनना होगा एंड इसी तरह से जो ये यूज होने वाला है। सो अब जो है इसे हम एक बार फोन में आपको कनेक्ट करके बता देते हैं। बेसिकली लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए होता है। सो ओटीजी केबल की मदद से हमने फोन में कनेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पे जो है सेंसर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो। हो जा फोकस। ओके सेंसर ऑन हो चुका है एंड उसमें जो है आपको एरर देखने को मिल गया, वो आप देख सकते हो हिल रहा है। अब जैसे ही मैं कोई चीज खोलूंगा, ये आप देखिए पूरा जो अच्छे से वर्क कर रहा है। कैमरा खोलते हैं एंड एक दो फोटो खींचते हैं। फोटो खींच गई है एंड बैक भी हो रहा है आराम से। आप जो है इसे कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। आपको थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में। ये आप देखिए ऊपर की स्क्रीन खींच गई। ब्राइटनेस को अगर कम करूँ या पूरा कर सकते हो यहाँ से। आपको जो है थोड़ा जो ऐसे टाइम लगेगा चलाने के लिए, कुछ इस तरह से जो यूज होता है। इसको वापस स्क्रीन के ऊपर करता हूँ। ओके थोड़ा जो टाइम तो ऑफकोर्स लगेगा आपको, बाकी कुछ इस तरह से आप ये माउस यूज कर सकते। कुछ नया आइटम है एंड एक्चुअल में वर्क तो करता है, आपने देख ही लिया है, लेकिन कुछ आइटम नया आपको देखने को मिल जाता है। एंड फिंगर माउस इसे जो कहा जाता है। रेट की बात करें दोस्तों काफी महंगा जो आ जाता है, 400 से 500 की रेंज में आपको जो देखने को मिल जाता है, कुछ नया आइटम अगर आपको ट्राई करना। सो गाइस होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।